चंदन क्यारी प्रखंड अंतर्गत बाट बिनोर स्थित बाट बिनोर पंचायत भवन में बिहार कोल माइनर्स यूनियन की बैठक मुखिया रविंद्र दास वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया, जिसका संचालन ज्योतिलाल महतो ने किया। मुख्य रूप से JSW जिंदल प्रबोधपुर कोल ब्लॉक के सचिव अनिल बावरी ने कहा कि 16 फरवरी 2018 को अनुमंडल पदाधिकारी चास बुकारो का दिया गया जजमेंट के अनुसार रैयत कार्यरत मजदूर 2000 एवं स्थानीय बेरोजगारों को JSW जिंदल को नियोजन देना होगा, तथा यूनियन के सचिव ने आगे कहा कि पर्वतपुर कोल ब्लॉक के जन्म काल से ही BCMU का आंदोलन क्रमवार चला रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप गांव का हित पोषण 2000 स्थानीय मजदूर एवं 169 सुरक्षा गार्ड एवं स्थानीय बेरोजगारों को JSW को नियोजन देना होगा, अन्यथा मजदूर किसान महिलाएं बेरोजगार नौजवान को जन सैलाब की चट्टान एकता के तेज आंदोलन के धार से पर्वतपुर कोल ब्लॉक से JSW को एक छोटा कोयला बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 6 नवंबर 2023 को जिंदल स्टील मुख्य गेट के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया, जिसका घोषणा किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से SUCIC के झारखंड राज्य सदस्य रामलाल महतो, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के झारखंड राज्य सचिव कुमुद महतो, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के अनिता बावरी, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बोकारो जिला सचिव हरिपद महतो, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन बोकारो जिला कमेटी के अध्यक्ष दुर्जटी घोष, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के चंदन क्यारी प्रखंड के सचिव राजू रजवार, परमेश्वर दास, दीपक चटर्जी, डॉक्टर गोपाल महतो, भरत राय, दिनेश बावरी, हरलाल महतो, गोरीनाथ महतो, सीमंत सिंह, SUCIC के बोकारो जिला कमेटी के सदस्य हबूलाल महतो, पुराण रजबार, साधन चंद्र दास, कालीपद, हंसदा, मालू गोराई, संजय दास, आलकर रजबार, डॉक्टर खगेन गोराई, विजय महतो, शिवूलाल करमकार, सत्यजीत बावरी, भजन सरकार, गणेश गोराई, अभिषेक दास आदि मौजूद थे। इनके अलावा सैकड़ों बेरोजगार युवा एवं महिलाएं उपस्थित थीं। चंदन क्यारी से महेंद्र महतो की रिपोर्ट।